हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज सुबह सुबह अभी मैं उठी हूँ, आप मेरी शक्ल देख के पता लगा ही सकते हो। गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ क्योंकि आज संडे है और अभी मैं अपने मायके में हूँ फिलहाल। सो गाइस, मैंने सोचा मैं सुबह उठते ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ आज। सो गाइस, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, बहुत ही लेट आया था। गाइस, अभी ना 2 दिन पहले मैंने संडे वाला ब्लॉग डाला हुआ है। गाइज, आजकल ना मेरे ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहे हैं क्योंकि अपलोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। सो गाइज, अभी ना करते हैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ पहले, उसके बाद ही करती हूँ। सो गाइज, अभी ना सोनिया ने पूरी सफाई कर ली है और मैं इतनी लेट उठी हूँ बाहर। नमस्ते, पिछले कल शाम को यहाँ देखो गाइस, धूप कितनी ज्यादा आ चुकी है सुबह सुबह, और यहाँ मेरे चाची मुझे मिले हैं सुबह ही। नमस्ते, चनबंदे, बढ़िया। कहाँ जा रही है? बाबू भाई चलिए। आज हाँ, मैं भी आ रही हूँ, मुंह धोती हूँ, मुंह धोती हूँ पहले। तो गाइस देखो, इधर चाची, गाइस अपना मुंह धो लेती हूँ पहले। So guys, अभी लग रहा है मुझे थोड़ा सा फ्रेश। ये देखो यहाँ पर सोनिया को अभी कपड़ा धोने भी स्टार्ट हो गई है। और राधे राधे सबको। अनु नेगी आज आपकी ब्लॉगर आज सोने से जागी है। कितना टाइम हो गया अभी? कितना पता नहीं, 8:30 हो रहे हैं। 8:30 बजे धूप भी आ चुकी थी, उसके बाद धूप आने के बाद अब ब्लॉग बनाना शुरू किया इसने। हमने तो सुबह से बहुत ज्यादा काम किए हैं, 5 बजे जागे हम, फिर गाय दुई हमने और मीनू को हम, मैं घास घास खाना सिखा रही हूँ। अभी तक ये छोटे हैं, ये धीरे धीरे सीख रहे हैं घास खाना। सुबह तो इन्होंने दूध भी पिया है और थोड़ा घास भी खा रहे हैं। एक महीने के है अभी तक, ये 1 महीने के हो गए अभी तक ये। अभी थोड़ा थोड़ा तीनों मीनू घास खाना सीख रहे हैं। मुझे इनको पालने का बहुत शौक है। आप तो पूरी स्पीच लेके बैठे हुए हैं। ये देखो, गुड मॉर्निंग करो दोनों। गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। इतने प्यारे हो तुम दोनों। फिर मैं आपको एक भजन भी सुनाना चाह रही हूँ आज। यार नहीं सुने। सुनना है किसी ने तो कमेंट में लिखो, सुनना है तो सुना सकती हूँ मैं। बोलूंगी अयोध्या सी नगरी हो, जय हो रघुकुल, जय हो सूर्यदेव राणा हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, और स्वामी हो तुम जैसे मेरे रघुराई हो। बाजी बाबा, ये भजन भी हमने पहली बार सुना है आज। बहुत अच्छा भजन बोला मम्मा ने। मुझे लगा कि वही पुराना बोलेंगे रोज एक ही, लेकिन इस बार कुछ नया था। ये क्यों चले होते आपके पीछे पीछे? बस लाल पहचाना हुआ तो। लाल पहचाना, ये लाल पहचाना इन्होंने, वही लाल के पीछे भागते रहो। थोड़ी सी फीसी बन गई, इसको दर्द हो रहा है यहाँ पे। दवाई लगाओ मम्मा इसको, बेचारे को क्या हुआ? आपने देखा नहीं कल तक? अभी देखा मैंने। कोई क्या हो गया बच्चे? यहाँ देखो मम्मा, इसका सींग भी आ रहा है। इसका तो सींग आना भी हो गया स्टार्ट। किसी को बनाया था ना? किसी, गुड मॉर्निंग। वो देखो बेटा, मैं मुखा है। ये देखो किशु का भी बाजू में लगी हुई है। किशु का मूड ऑफ है, किशु का मूड ऑफ है, किशु को बाजू में लगी हुई है। कौन कर दी? चलो चलो चलो, आप कहाँ पर गिरे? ए ए, अब आ गई स्माइल। ओशु
गुड मॉर्निंग। चलो पापा चलो चलो चलो, देखो 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 ये देखो इनकी दवाई लग रही है, इन्होंने खा ली वो दवाई। ये तो दवाई खा रहे हैं, दूजे को भी लगा मम्मा, दूजे को भी, दोनों के मुंह कर दो पी ले इनके। तो क्या गाइस, अभी यहाँ रखिए चाय, ये ठंडी हो चुकी है, गरम करनी पड़ेगी। सो गाइस इधर देखो, अभी सोनिया मक्खन निकाल रही है, ये देखो कितना सारा मक्खन बना है। अब तो गाइस अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी, अभी हम लोग घर पे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। सो गाइस कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में बता देंगे, अभी हम फिलहाल निकल जाते हैं घर से। देखो मम्मा भी हो गए रेडी, बिक्की सोनी, फिलहाल चार जा रहे हैं हम लोग। गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से, अभी हम लोग खेत पहुँचे हैं। हाँ हम लोग आज जा रहे हैं शामगढ़ घूमने। सो गाइस शामगढ़ में हम क्या क्या करने वाले हैं वो ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग ना चार ही है और आज हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं शामगढ़ जाके। और अभी ना बहुत ज़्यादा धूप भी है, अभी तो फिलहाल गर्मी हो रही है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ जन्नत है गाइस, जन्नत। सो जन्नत की सैर करवाते हैं आपको आज। ये गाड़ी आ रही है, देखते लिफ्ट देते तो। नमस्ते जी, चंदन गाड़ी में आए थे ना, थोड़े से उधर पहुँचे थे हम लोग, तब तक गाड़ी बस चली गई और अब हमें नेक्स्ट बस का वेट करना पड़ेगा और सैन से हम लोग शायद टैक्सी लेंगे, फिर हमारा सफ़र हो जाएगा शुरू। सो गाइस अभी हमें फिर से मिली है एक लिफ्ट, यहाँ पर एक गाड़ी मिली हमें, सो इसमें हम लोग जा रहे हैं। अभी बैठे हैं हम लोग, बहुत ही लेट मिली हमें, बस तो आई नहीं, तो लास्ट में लिफ्ट ही मिली गाइस। देखो हमारा गाँव यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कुछ खाने के लिए, ये ले लिया है मैंने सारा सामान और यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। देखो मम्मा बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं और भी क्या खाने, थोड़ा सा सामान और ले रहे थे तो वो गए, अभी हम लोग तब तक बैठ जाते हैं गाड़ी में। गाइस सफ़र हो गया है शुरू और खाना पीना भी हो गया शुरू, फ्रूटी पिएंगे हम लोग सफ़र की शुरुआत में फ्रूटी से। स्पेशल फरमाइश में हम लोग आज शामगढ़ घूमने जा रहे हैं गाइस, क्योंकि विक्की का बहुत ज़्यादा मन था, विक्की और सोनी, सोनी तो फर्स्ट टाइम ही जा रही है, विक्की पहले भी गया है लेकिन आज हाँ सोनी बहुत एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए। सो देखते हैं ऊपर जाके इसको कैसा लगता है। हम लोग आज से पहले भी गए गाइस और पहले फर्स्ट टाइम में भी एक बार गए थे, आपने मेरा ब्लॉग देखा था उस टाइम। सो अभी आज हम फिर से जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब अब समर सीज़न आ रहा है तो स्टार्टिंग में ही हम लोग जा रहे हैं, बीच में शायद फिर भी जाएंगे, जाते रहेंगे, देखते हैं आज। ये गाइस अभी हम लोग रोपा पहुंच गए हैं, रोपा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं शामगढ़ वाले रोड में और इन लोगों के हाल कुछ इस तरह के हैं पीछे। वाह कितने अच्छे पहाड़ जा रहा है, ये है शामगढ़ गांव, पार्किंग है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे ग्राउंड की तरफ को, आपको दिखाते हैं मैं बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, सोनिया को कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा है ना। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी और बहुत गाइस। और मंदिर के सामने ही बहुत ही सुंदर ये जो ग्राउंड है ये बहुत ही प्यारा है। देखो मम्मा यहाँ पर, अभी बिक्की भी यहाँ पर आ गया है। गाइस यहाँ पर अभी इतना अच्छा है ना, इतनी अच्छी सी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी नेचुरल वाली फ्रेश फ्रेश। सो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं यहाँ पर व्यू देख के, आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना प्यारा है। सो गाइस जब भी आते ना तब हर बार ही ऐसा लगता है कि हम लोग नई जगह आए हुए हैं, नई जगह, जबकि हम यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं, फिर भी जितनी बार आते हैं ना उतनी बार मन ही नहीं भरता यहाँ हमको देख देख के। आप लोग भी आना चाहोगे तो आप आ सकते हो,
चांगढ़ घूमने। सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ पर बैठेंगे, कुछ खाएंगे जो लेके आए हम थोड़े बहुत चुटपुट सामान खाने के लिए। सो मम्मा तो बोल रही है यहीं पर बैठ जाओ क्योंकि यहाँ से लुक बहुत अच्छा है सामने। सो हम यहीं बैठ जाते हैं अभी। ये जो मेरे साथ आए ये सारे लोग साइलेंट है गाइज, एक मैं ही हूँ बोलने वाली और खाने वाली, लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप ही मजा लेते हैं। इनके साथ मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आज। अभी धूप चली गई थी फिर से आ रही है, लेकिन हवा तो आप देख ही रहे हो, मेरे हल्के फुलके बाल जोड़ रहे हैं। पता क्या ग्राउंड बहुत अच्छा ना, जो ये नालियां ना इनमें से पानी रखा पड़ा है ना। इनमें तो ऑलरेडी मम्मा जैसे बरसात होगी तो नालियां ही बढ़ेगी फिर नीचे, यहाँ से पानी कहाँ से आएगा, यहाँ कहाँ करना इन्होंने पानी, अपने आप जब आएगा बरसात वाला पानी वो ही बहेगा ना यहाँ से, जो ये है ना ऊपर ऊपर जो पानी आएगा ना यहाँ से इधर से नीचे नालियों की तरफ से जाएगा ना, यहाँ से नीचे को जाता चले जाता नीचे को अपने आप ही इकट्ठे होके। खाना बिस्किट ये तो दो मुझे भी बिस्किट, एक धूप लगी टूट गया है। अब ऐसी हसीन वादियों में आपका मन नहीं कर रहा है गाने बोलने का मामा? जब देखो तब मम्मी का हुस्न पहाड़ों का होता है। क्या कहना के बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का मत है दो बिस्किट दो और। आज का संडे इतना अच्छा था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आज मैं संडे वाले दिन घर पे ही होनी है पूरे दिन वही कपड़े धोने साफ सफाई, लेकिन नहीं, आज का दिन मेरा इस खूबसूरत जन्नत को देखने वाला दिन था मेरा आज। हम घर में भी बोर हो गए थे बहुत टाइम से, हम कहीं नहीं गए थे और आज मन किया कि आज कहीं घूमने निकलते हैं। पापा का मन भी था आने का, लेकिन पापा ना खनेरगी वाले घर चले गए थे सुबह, तो उनका मन तो था आने का लेकिन फिट नहीं आए। हम लोग चार ही आए, फिर लत्तू कुल्लू मैम, फिर लत्तू भी नहीं आई और वो भी कहीं काम से गए हुए हैं, फिर हम चार ही आए। गाइस चार ही करेंगे हम लोग एंजॉय, अभी हम ना उधर भी जाएंगे जो आपको मंदिर दिख रहा है ना वहाँ भी जाएंगे, अभी हम ना यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। बाल बढ़ाने की दवाई होंगी तो इसमें कमेंट में लिखना कि मेरी बेटी के बहुत बाल जड़ गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, अगर कहीं आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो है कोई फिर बताना, इसमें जरूर जरूर बताना। चलो गाइस अभी हम बैठे ना, फिर वहां जाएंगे, फिर आपको मैं वहां पे दिखाऊंगी। यहां क्यों रखे इतने इंसान फोटो? गाइस सामने इतना सुंदर गांव है, गांव के बीच में ये खूबसूरत मंदिर और गांव के सामने ही ये खूबसूरत सा ग्राउंड और ये पहाड़ियाँ। ये देखो एक डॉगी आया है, हेलो ले, अरे आता नहीं देंदे, नहीं खाना इसने। देखो मेरे यहाँ पर सीधा लग रहा है कि इसके मुंह में डाल रही हूँ मैं, भाग गया वो इसमें से, इनके पास कुछ नहीं है भाई, कचरा ना फैलाएं, इस तरह से किसी लिफाफे में डालें और डस्टबिन में फेंक दें, ऐसे इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आप कचरा फैलाओगे तो ये खूबसूरत जगह भी कुछ टाइम बाद गंदी हो जाएगी। कचरा किसी ने भी नहीं फेंकना है फिर हाँ। आपको बहुत ज्यादा फाइन लगेगा यहाँ के, यहाँ के देवी देवता बहुत नाराज होते हैं जो वैसा ही है। गाइस कितना टाइम हो गया? गाइस मैं और मम्मा अभी आने को मंदिर के पास पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और अभी थोड़ी सी ना धूप भी चली गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी, नहीं तो ऊपर से धूप लग रही है ना गर्मी गर्मी। यहाँ देखो कितनी सारी गाय हैं गाइस। देखो गाइस लाइट का इफेक्ट ना यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पड़ रहा है। देखो गाइस अभी हम फिर से यहाँ पर खाने बैठ गए हैं, थोड़े से इधर आए हम, पहले हम ना उधर वाले यहाँ पर बैठे हुए थे, अब हम यहाँ आए हैं। और अभी ना बिक्की वगैरह
और भी कई कुछ खाने के लिए ले गया है, क्रीम रोल और क्या बोलते इसको स्लाइस और पीनट्स। खाने का बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, कुछ भी लो बस मज़ा। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये इससे अच्छी जगह कहीं लगती ही नहीं। हाँ वो तो है, हमें भी अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर के पास। जय हो भगवान जी। यहाँ अभी दर्शन कर लेते हैं अभी हम लोग, यहाँ पर फोटोज लेंगे अभी हम। यहाँ का मंदिर है, ये देखो लंगूर का हाथ में अंगूर। मुझे बता भाई क्यों लगे लगा रहा है, अभी ना धूप जा रही है और ठंडी ठंडी हो रही है और मैंने स्वेटर पहन ली है अभी। मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी हम लोग जा रहे घर की तरफ। आज हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए तो अब जाना पड़ेगा घर। देखते हैं अभी कुछ खाने को होगा तो खा भी लेंगे कुछ। अरे देखो मम्मा इस तरफ ना बोला। तो हम वापस से यहाँ पर पहुँच गए हैं और बाय बाय शाम घर आएंगे नेक्स्ट टाइम। अब अभी सभी जा रहे हैं घर देखो यहाँ से होके। So bye bye. 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 Bye.